चलो भाई आ जाओ, आज तुम लोगों को घुमाता हूँ मैं। आओ, कौन आएगा पहले? तुम आ जाओ। कटी है, आ काटती है काटती है। अच्छा, नाराज मत हो, आ जाओ आ जाओ जाओ, ये आ जाएगी। आ इतनी चुटकी आ गए दोनों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज इनको मैंने खोला है और मैंने सोचा है कि काफ़ी टाइम बाद मैं इनको खोलता रहता हूँ। वैसे तो डेली खोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या फिर 5 मिनट के लिए, पर आज पूरे ब्लॉग में दोस्तों ये मेरे साथ रहेंगे। मेरी आवाज़ में थोड़ा सा मसला हुआ, मैंने कल भी आपको बताया, मेरी 2-3 दिन से तबीयत अजीब रह रही है, गला बहुत बैठ रहा है और नज़ला गिर रहा है अंदर, कान बंद हो रहे हैं अपने आप, समझ नहीं आ रहा मेरे कुछ। और गर्मी की जो शिद्दत है ना, उसकी वजह से भी काफ़ी परेशानी हो रही है, बहुत मतलब वीकनेस भी हो रही है। तो दोस्तों आज व्लॉग में ये दोनों हमारे साथ ही रहेंगी, ऊपर भी लेके जाऊंगा इनको और नीचे भी, आज ये दोनों हमारे साथ रहेंगी। और मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि इनको आप लोग किस तरीके से सिखा सकते हैं बोली और कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, ये सब कुछ। ठीक है दोस्तों, तो साथ रहिए, चलें पहले चलते हैं नीचे मुर्गों के पास। क्या आ गए मुर्गों से, इनकी कभी मुलाकात हुई तो नहीं है वैसे, क्योंकि ज़ाहिर सी बातें अलग अलग परिंदे हैं, वो मुर्गा ये तोते, इन्होंने पता नहीं कम ही देखे हों। चूजों से ज़रूर मिलवा दिया था मैंने शुरू वाली मेरी वीडियो में, आप लोग देखिएगा जिसने नहीं देखी। खैर तो भाई इनको वैसे मैंने दाना पानी खाना सब कर दिया है, लेकिन मैंने सोचा पानी, ये लोग बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत पड़ी है तो पानी डाल दूँ। खाना वाना सब कर दिया है, इनको भी कर दिया। ये माशाल्लाह हमारे जो नए मेहमान आए थे वो भी बहुत माशाल्लाह सेटिंग में है यार। ये भी काटने लग गया है, काटता है मेरी उंगली पे, और काले खान ने भी कल काटा था। मैं आप लोगों को दिखाऊं मेरे राइट हैंड पे जिससे मोबाइल होल्ड करता हूँ, ये देखें ये लाल निशान है, ये इन भाई साहब का, इन्होंने काटा है। जब तशानिया पे खड़ा होता है इसने मेरे इतनी जोर से काटा है, ये चल गया था मैं 2 मिनट के लिए, और मैंने इसका ना एक सर पे हल्का सा थप्पड़ भी लगाया, मेरा नीचे हो। चले दोस्तों कबूतरों को दाना डालते हैं ऊपर चल के। चलो भाई इनको रख देते हैं हम यहाँ, ये पूरी की पूरी सफाई करी है आज आपके भाई ने, तो मुझे मसला नहीं होता, सफाई भी करनी चाहिए, लादमी ना गंदा मेरे को बहुत बुरा लगता है। बाकी ये केज का सिस्टम भाई मेरे दिल पे बहुत चूड़ियाँ चल रही हैं इसके लिए कि किस दिन पूरे का पूरा सेटअप होगा। भाई पकड़ के रखना, बहुत तेज़ हवा है, मेरे को डर भी लग रहा है इनको ले जाते हुए छत पर। तो चलें हम सिर्फ इनको दाना डालने आए कबूतरों को, तरीके से रहना, उड़ना मत। ऊपर चीले देख रहे हैं आप कितनी सारी हो रही हैं, हम मेरे को डर है कोई चील हमला ना कर दे, बहुत केयर से रखना पड़ेगा इन्हें। तो चलें पहले इन्हें दाना डालते हैं। आ चारों तरफ नज़र रख के बैठनी पड़ रही है मुझे, बहुत चौकन्ना हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही आ जाती हैं। एक चील अभी काफ़ी देर से घूम रही है तो काफ़ी देख के, आप लोग ये ट्राई मत कीजिएगा दोस्तों, मैं पहले ही बता दूँ, मैं बहुत देख के रखा हुआ इन्हें, मैंने सच बयानों तो इतने से पाले, मैंने कुछ होने नहीं दूंगा। तो दोस्तों इनको तो दाना पानी कर दिया है, और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जल्द इसकी सफाई वफाई करने वाला हूँ, पूरे का पूरा इसको तरतीब से करूँगा। इसके अंदर फिर अपन लाके डालते हैं पिजन्स, 1-2 जोड़े लाके डाल देंगे, 2 और 2 तो अभी पड़े हुए हैं जोड़े, तो 2 और डाल देंगे, एक नीचे एक ऊपर, ताकि यहाँ पर सेटअप हो जाए। और मेरी पूरी कोशिश है कि मुर्गों को मैं यहाँ पर सेटलमेंट करवा दूँ किसी तरीके से, भले आगे तक चले जाए, ताकि एक अच्छा सेटअप छत पे बन जाए तरीके से। मैं बहुत कोशिश में लगा हूँ, मना रहा हूँ घर वालों को कि यहाँ पे कर देते हैं, अब देखें वो मानते हैं या नहीं, अगर माने तो ज़रूर कर देंगे। खैर तो चलें दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग अपने तोते को हिला कैसे सकते हो। तो दोस्तों इसकी पहली ट्रिक तो ये है कि आप छोटे छोटे बच्चे लाओ, और अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, उनको आप खिलाना पिलाना शुरू करें। बहुत ज़्यादा बोटी नहीं, मतलब थोड़े से बड़े हों, इतने बड़े एटलीस्ट ये मेरे पास आए थे कि एटलीस्ट 15-20 दिन के ऐसे हों कि थोड़े से बड़े। तो इनको आप दोस्तों एक तरीके से ऐसे पालोगे जैसे अपने बच्चों को पालते हैं लोग, जैसे आपका बेटा है कोई छोटा, तो फिर वैसे ही बिल्कुल पालना पड़ता है इन्हें अपने बच्चों की तरह। प्रॉपर आपने टाइम देना है, ये नहीं करना कि आपने सिर्फ इनको रख दिया और दिन में सिर्फ 2 टाइम खोल लिया, 3 टाइम खोल लिया, नहीं, इनको प्रॉपर वे में खोलना है और इनसे बातें करनी है ताकि जल्द अज जल्द सीख सकें, वरना ये दोस्तों नहीं सीख पाते। अब ये मेरे वाले मेरे से मानूस तो हैं, बैठ भी जाते हैं, काटते भी नहीं हैं, अब ये माशाल्लाह से तरीके से रहते हैं, लेकिन एक हिचकिचाट है। हिचकिचाट की वजह ये कि मैं इनको प्रॉपर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया हूँ, जो मेरे को देना था, एक बहुत ज़्यादा टाइम देना था मैंने इनको, वो नहीं दे पाया। मेरे साथ वही कि मैं
तीन चार बार खोल लेता था, तो उस हिसाब से इनको मैं वो टाइम नहीं दे पाया। अगर आप ला रहे हैं तो तकरीबन दो एटलीस्ट 2 महीने, मैं कम बोल रहा हूँ, 2 महीने तो आप लोगों ने इनको रखना है। 2 महीने भी कम है, 3 से 4 रखते हैं, लेकिन मैं वैसे आपको दे रहा हूँ कि आप लोग 2 महीने इनको ऐसा टाइम दें कि ये आपके हो जाए, बड़े हो जाएं, उसके बाद आप भले इनको बंद भी रखेंगे तब भी इनमें वही आदतें रहेंगी जो आपने इन्हें सिखाई होंगी। तो बस ये तरीका होता है दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप लोग। 1-9 के अंदर हेजिटेशन आ जाएगी, डरेंगे, काटेंगे नहीं। लेकिन अब ये देखें आप, इनको मैं नहीं दे पाया ना, ये देखें सिर्फ पकड़ते हैं चोंच से। चलो आओ पकड़वा लेते हैं, कोई मसला नहीं होता, लेकिन डरते हैं। अब इसको देखें आप कैसे डरती है मेरे से, ये देखें पूरी उड़ेगी। ये परेशानी अक्सर तोतों में हो जाती है, लोगों के वो बोलते हैं यार हमसे हिल नहीं पा रहे, पल नहीं पा रहे। आपने प्रॉपर टाइम देना है, वो पलेंगे भी आपसे। हाथ में खिलाएं उनको, तरीके से खिलाएं उनको, अपने साथ रखें, चाय पीने बैठे तो आपने बैठा लिया, भले छोटा सा बच्चा है वो ऐसे ही ट्रीट होती है, उनको ट्रेनिंग होती है। तो दोस्तों इसके अलावा कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जो आप कर सकें, बस यही होती है मेन ट्रीटमेंट इनकी। तो चलें नीचे चलते हैं, और मेरे को तो चाय पीने का दिल चाह रहा है, तो आज मैं इनको चाय भी पिलाता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है दोस्तों, आ जाएं। मज़ा आ रहा है काटो तो मत भाई, चाय बन रही थी, चाय निकल जाए फिर चल के अपन पीते हैं सुकून से। मैंने बोला थोड़ा बाहर आ जाऊँ, और वो देखें रहीम और आशिर दोनों के दोनों पानी डालने रोड पे ठंडा करने के लिए, और इसने अपना घर भी ठंडा कर दिया पानी डाल के। हाँ बोल लो, क्या बोल लो, माशाल्लाह तो खुश हैं, काफ़ी सुकून में हैं। इनके पर या तो बांध के निकाला करें बाहर, या फिर पर आप लोगों को काटने पड़ते हैं। पर काट देंगे तो भी नहीं उड़ेंगे, या फिर पर बांध देंगे तो भी चटेंगे। वैसे बांधने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो है कि उड़ सकते हैं अगर खुल गए तो, लेकिन ऐसे सेट है। इन्होंने बैठते ही मेरे पे बीट कर दिए दोस्तों, ये देखें वो पूरा मैंने साफ़ करा अभी टिश्यू से तुम्हें। अच्छा एक और चीज़ दोस्तों मैं बता के चलूँ, इसकी अपना जो छोटे वाला तोता है तो, और उसकी भी बताता हूँ, तो मैंने अभी नोटिस करा है घर वालों ने, तो मैंने बोला आप लोगों को भी दिखाऊं। इधर आओ ये देखें, अब ये मेरे को जो एक्सपर्ट हैं वो भी बताएं कि इसके कंठी आ रही है, ये गर्दन की तरफ देखें, ये जो ऑरेंज कलर के बाल आ रहे हैं ये कंठी है, ये तोता है या तोती, अब जिनको पता है वो लाजमी बताएं मुझे कमेंट में। और माशाल्लाह से देखें अच्छा हुई है, चाय तक पहुंचने का पूरी मिशन जारी है, इसी तरीके से पहुंच जाएंगे चाय तक। ये तो पर नहीं है ना, इसलिए दोस्तों ये छलांग नहीं मार पा रहे। क्या हुआ, नहीं जा पा रहे। एक चीज़ और बता दूं कि इनको गर्म चीज़ कभी मत दीजिएगा लिक्विड में, इनकी ज़ुबान होती है उस पर लगता है बहुत नाजुक होती है, लिक्विड में गर्म मत दीजिएगा, मतलब बहुत खोलती हुई। अभी ये गर्म हो रही है चाय, हम तो सह लेते हैं पी लेते हैं, इनकी ज़ुबान उसमें नहीं होती, फिर ये बोलना बहुत कम कर देते हैं, ज़ुबान पे लगेगी जलेगी तो आप लोगों को भी पता है, तो ठंडी करके दिया करें। पीली भाई पीली 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 पीली, अब समझ आई चाय है, हाँ अब मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों इनको मैं लेकर आ गया हूँ अब यहाँ पे बंद करने के लिए, क्योंकि इनका टाइम हो रहा है बंद का, और बाकी दोनों के दोनों लड़ रहे हैं, मेरे को वीडियो नहीं बनाने दे रही है, बहुत मुश्किल कर रहे हैं। ये देखें अभी भी इसमें बहुत छेड़खानी है, ये बहुत ज्यादा लड़ता है छोटे वाला। बाकी आपको जो मैंने गाइडलाइन दी है, जो बताया इनको किस तरीके से आप पाल सकते हैं, इनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसका मरहला यही है कि जब बच्चे लाएं तो 2 से 3 महीने उनको टाइम दें, और बिल्कुल पूरा पूरा वक्त दें, 2-3 टाइम नहीं खोलना, अपने साथ रखना है आपने। कहीं काम वाम पे जाना है, काम से आने के बाद आपने इनको अपना साथ देना है, चाय वाय पी रहे हैं, खाना ना खा रहे हैं, साथ बैठा दिया, कंधे पे बैठा दिया, ये कुछ नहीं करेंगे, खाएंगे पियेंगे, खराब से कपड़े बना लिए वो पहन लिए पूरे पूरे दिन, जब इनको बंद करा तो चेंज कर लिए। तो दोस्तों ये सब आपको करना पड़ेगा अगर एक अच्छा पैरोट बोलने वाला आप पालना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों इनको मैं कर देता हूँ बंद, और आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। चले गए, इधर आओ, नहीं ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना यार, ये कूद के ऊपर चला गया, नहीं तुम यहाँ से यहीं निकल जाओगे मैं जानता हूँ। चलो अंदर, चलो अंदर अपने घर, किसी और का घर है वो।